अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जैन रज़ा और आप देख रहे हैं टेक एक्सपर्ट यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह आप अपने फेसबुक अकाउंट पर जो फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड करते हैं उन सबको एक ही क्लिक में किस तरह से कैंसिल कर सकते हैं। वैसे अगर आप फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल करना चाहें तो आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड वाले ऑप्शन में जाकर कैंसिल रिक्वेस्ट पर क्लिक करना पड़ता है। अगर आप इस तरह से एक एक पर क्लिक करते रहेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा और इनको कैंसिल करना भी ज़रूरी होता है क्योंकि एक लिमिट के बाद आप फ्रेंड रिक्वेस्ट को सेंड भी नहीं कर सकते। तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरह आप एक ही क्लिक में सब फ्रेंड रिक्वेस्ट जो आपने सेंड की है उनको कैंसिल कर सकते हैं। तो उसका तरीका बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको अपने इंटरनेट ब्राउजर में एक एक्सटेंशन को ऐड करना पड़ेगा जिसका नाम है टूल किट फॉर फेसबुक। ये पहले तो आप सिंपली वेब स्टोर से जाकर इसको सर्च करके ऐड कर सकते थे, लेकिन अब यहाँ वेब स्टोर से इसको रिमूव कर दिया गया है। तो अगर आप इसको ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको इसको अलग से डाउनलोड करके ऐड करना पड़ेगा। अगर आपको ये एक्सटेंशन को ऐड करना नहीं आता तो उस पर मैंने अलग से वीडियो बनाई हुई है जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिलेगा। आप उस वीडियो को देखकर इस एक्सटेंशन को ऐड कर सकते हैं। इसको ऐड करने के बाद अपनी फेसबुक आईडी में आ जाएं और फ्रेंड रिक्वेस्ट सेंड वाले ऑप्शन में आ जाएं। यहाँ से फ्रेंड रिक्वेस्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और उसके बाद सी ऑल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो यहाँ पर आपको व्यू सेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर लें तो यहाँ पर जो भी फ्रेंड रिक्वेस्ट आपने सेंड की होंगी वो यहाँ पर सब ओपन हो जाएंगी। उसके बाद यहाँ पर आपको टूल किट फॉर फेसबुक का आइकन देखने को मिलेगा। इस पर क्लिक करें और यहाँ सर्च में कैंसिल टाइप करें तो आपके सामने इस तरह से कैंसिल पेंडिंग फ्रेंड रिक्वेस्ट का ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ से स्टार्ट टूल वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो ये आपको एक नए पेज पर ले जाएगा। यहाँ पर जो इसका टाइम इंटरवल है उसको जीरो कर दें ताकि ये इनको कैंसिल करने में बिल्कुल भी टाइम ना लें। उसके बाद यहाँ से एनेबल ऑटो स्क्रॉल डाउन को चेक कर दें ताकि ये खुद ब खुद स्क्रॉल डाउन करके जितने भी कैंसिल वाला ऑप्शन है इनको खुद ब खुद ही कैंसिल करे। उसके बाद यहाँ से स्टार्ट क्लिकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे कि सारे कैंसिल ऑप्शन पर खुद ब खुद ही क्लिक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से इसको ओके कर दें तो वो आप देख सकते हैं कि वो सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट खुद ब खुद ही कैंसिल हो चुकी हैं। तो अगर आपकी कुछ फ्रेंड रिक्वेस्ट फिर भी बच जाती हैं उसके लिए आपको सेम प्रोसेस दोबारा से करना होगा। ऊपर सर्च बार में कैंसिल टाइप करें और स्टार्ट टूल पर क्लिक करें और यहां से इसको 0 सेकंड करके इस ऑप्शन को चेक कर दें और स्टार्ट क्लिकिंग वाले ऑप्शन पर क्लिक कर दें तो आपकी बाकी फ्रेंड रिक्वेस्ट भी खुद ब खुद ही कैंसिल हो जाएंगी। इस तरीके से आप एक क्लिक करने से अपनी सारी फ्रेंड रिक्वेस्ट को कैंसिल कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी यूजफुल ट्रिक है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इस टूल किट फॉर फेसबुक के और भी बहुत सारे फंक्शंस हैं, मैंने उस पर भी अलग से वीडियो बनाई हुई है। अगर आप उस वीडियो को देखना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।